ओके, अब क्या करेंगे, जो फाइल हमने क्रिएट की है किसके अंदर, ये ठीक है, इसके अंदर जो भी हमने लिखा था राइट ऑपरेशन से, उसको अब क्या करेंगे, रीड ऑपरेशन से रीड करवाएंगे प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। चीज़ें हैश इंक्लूड, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी किया पेस्ट, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल पॉइंटर बनाएंगे, फाइल एस्टेरिक fp, ठीक है, fp इज इक्वल्स टू एफ ओपन, हमेशा फाइल ओपन हो पहले, फाइल का यहाँ पे पाथ आ जाएगा, कॉमा, और ऑपरेशन कौन सा करवाना है, अब रीड करवाना है, ठीक है। तो फाइल का पाथ जो है वो कॉपी कर लिया मैंने फाइल और यहाँ पेस्ट कर दिया, सही। उसको सेव करना है तो सेव का ऑप्शन डेस्कटॉप, सी लैंग्वेज लेक्चर 14, और यहाँ पर सेव कर देंगे इसको 3 के नाम से, सही है। इस फाइल को यहाँ से रीड करेगा। अब क्या एरे चाहिए, कैरेक्टर बफर, और इसका जो साइज रखेंगे 255, ठीक। के बाद वाइल का लूप चलेगा और यहाँ पे कंडीशन आएगी वाइल एफ स्कैन एफ, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, उसको लिखेंगे इसका जो मेथड है। तो जो सबसे पहला पॉइंटर है वो फाइल पॉइंटर जाएगा, दूसरा प्रिंट करने के लिए जो स्पेसिफायर है, और तीसरा क्या जाएगा, स्कैन एफ के बाद बफर, बफर की स्पेलिंग BUFF, कॉमा इज नॉट इक्वल टू EOF, EOF का मतलब एंड ऑफ द फाइल, लास्ट तक फाइल को वो रीड करें, और उसको हम यहाँ पे प्रिंट कराते रहेंगे, प्रिंट एफ परसेंट एस स्पेसिंग कॉमा बफ, EOF को कैपिटल कर दो, ठीक है। अब ये देखो इसमें क्या किया, हेलो दिस इज फाइल हैंडलिंग इन सी लैंग्वेज, ठीक है, स्पेस दे के सही। इस तरह से हम क्या करें, राइट और रीड ऑपरेशन कर लिया। अब नेक्स्ट में देखेंगे अपेंड, यानी फाइल में ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है तो पुराना वाला मिटे नहीं और उसके नीचे ही अगला वाला आ जाए, सही है।